जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र में स्थित हावड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने लेकर जा रहा हूँ। इस वीडियो में हावड़ा नागनाथ जाने से लेकर रुकने खाने पीने की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बम भोले का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं हावड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का क्या है महत्व। हावड़ा नागनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और 8वें स्थान पर है। यह मंदिर केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त नामदेव जी के समर्पण और श्रद्धा को देखते हुए इस मंदिर का मुख घुमा दिया था। इस कारण इस मंदिर का द्वार पूर्व दिशा में होने की बजाय पश्चिम दिशा में है। नंदी जी की मूर्ति मंदिर के आगे होने की बजाय पीछे है। हावड़ा नागनाथ कैसे पहुंचे? हावड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित हिंगोली जिले में हावड़ा गांव में है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो हिंगोली डेक्कन और परभणी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। हिंगोली से हावड़ा नागनाथ की दूरी 25 किलोमीटर है और परभणी से दूरी 50 किलोमीटर है। दोनों जगह पर भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती है। दोनों जगह से हावड़ा नागनाथ मंदिर जाने के लिए बस और टैक्सी दोनों आसानी से मिल जाती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, नासिक, शिरडी से महाराष्ट्र रोडवेज की बसें चलती है। नजदीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद में है। औरंगाबाद से हावड़ा नागनाथ की दूरी 200 किलोमीटर है। हावड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग से करीब 400-500 मीटर के दायरे में आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे। इनमें रूम किराया 400 से 600 तक रहता है। यहाँ लग्जरी सुविधा की उम्मीद न करें। ज्यादातर यात्री हिंगोली या परभणी में रुकना पसंद करते हैं। भोजन के लिए बताने लायक कोई खास होटल नहीं है। मंदिर के आसपास 100 रुपए में शाकाहारी थाली मिल जाती है। हावड़ा नागनाथ पहुंचने पर बस स्टैंड के सामने ही वॉकिंग डिस्टेंस पर मंदिर का मेन गेट है। यहां से एंट्री कर आपको कुछ दूरी पैदल तय करनी होगी। रास्ते के दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर आप मंदिर परिसर में दाखिल हो जाओगे। सामने ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नजर आता है। मंदिर के भीतर फोटोग्राफी वीडियो निकालना अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर के भीतर के दृश्य आपको दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ शिवरात्रि, विजयादशमी और सावन के महीने में काफी ज्यादा भीड़ होती है। सामान्य दिनों में 15-20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। यह मंदिर 5,500 वर्ष पुराना है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। इस मंदिर का द्वार पहले पूर्व दिशा में था। महाराष्ट्र के एक संत श्री नामदेव जी महाराज दर्शन करने आए, लेकिन मंदिर के पुजारियों द्वारा उनको मंदिर के भीतर प्रवेश करने से रोका गया। तब नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे भजन कीर्तन करने लगे। भगवान शिव जी ने नामदेव जी की सच्ची भक्ति देख मंदिर का द्वार ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। मंदिर का द्वार उसी ओर हो गया जिधर नामदेव जी बैठकर भगवान भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे थे। तब से लेकर आज तक यह मंदिर वैसा ही है। यह मंदिर प्रतीक है सच्चे भक्त पर शिव जी की कृपा का। यह दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। अन्यथा सभी मंदिर और शिव मंदिरों का द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखा जाता है। इस कारण आज भी नंदी जी की प्रतिमा मंदिर के पीछे देखने को मिलती है। मुख्य गर्भगृह एक संकरी गुफा के अंदर है। रास्ता इतना संकरा है कि एक बार एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो चांदी के आवरण से ढका रहता है। पत्थरों से बना यह विशाल मंदिर हेमाडपंथी स्थापत्य कला में निर्मित है। कहा जाता है पहले यह मंदिर 7 मंजिला था और बहुत ही भव्य था, लेकिन औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बचा था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखता है। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी झील है। झील के किनारे कालिका माता का मंदिर भी है। दोस्तों, यहाँ पर हावड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।